मैंने सुबह सुबह पहले तो मुझे लगा कि रंजन जी लेके जाएंगे, मैंने बोला लेके जैसे बताया नहीं यार, नहीं मैंने लेके आया। मिलेंगे फिर हमारा बहुत इंटेंस डिस्कशन चल रहा है। तो सोच रहा था पूजा पाठ में ज़्यादा इंटरेस्ट, सबको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं हनुमान चालीसा भी सब तक के नीचे रख के और ये वो बड़का सा रॉड लोहा का खोजा कहीं से लग रहा था कि दरवाजे बार बार नॉक हो रहे हैं, मतलब वहाँ से, और सारी टीम सोई थी। और मैंने सुबह सुबह पहले तो मुझे लगा कि रंजन जी लेके गए होंगे, मैं बोला लेके गया तो बताया नहीं यार, बोले नहीं मैंने लेके आया। उन्होंने यार झूठ बोल रहे हो, कल इनके रूम में शायद ये कौन था तू? हम जा रहे सर के रूम और यहाँ पे बाहर देखने चढ़े हुए जहाँ पे पंजे का निशान था। ये है सर, ये है, आप देख सकते हैं, ये है वो निशान। देखो मैंने बोला ना बाल झड़े हैं, ये देखो ये सर, ये देखो, अरे तो छोटे बाल है। पंजा था ये बहुत कभी स्ट्रांग सर, ये देखो गुड मॉर्निंग गाइज। और जैसे आपने बहुत ज़्यादा क्लिप्स जो अभी देखी होगी, तो इस क्लिप से पहले तो सिनेरियो कुछ मैं आपको ऐसे देना चाहूँगा कि सर से हम पहले तो जो है हमने ऊपर बैठे जहाँ मैगी वगैरह खाई, तो वहाँ पे सर से अच्छा जो है बातचीत करने का मौका मिला, रंजन सर से भी और आका सर से भी, और बहुत ही बढ़िया जो एक्सपीरियंस रहा। और उसके बाद जो है हमने बातें शुरू की, सर ने बहुत अच्छे से जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी और बहुत अच्छी एडवाइस दी। उसके बाद जो है हम सब ने जो है साथ बैठ के जो है डिनर किया, और उसके बाद वहाँ पे टेबल पे बात छिड़ी की भूतों की कहानियाँ सुनते हैं। तो उसके बाद हम जो है सर के साथ चले गए रूम में, और वहाँ पर हमने जो है बढ़िया से जो है स्टोरीज़ वगैरह सुनी, और रियल स्टोरीज थी ऐसा तो सर ने बताया। और जैसा आपने सुना होगा मैंने कुछ पार्ट्स में डाली, पूरी नहीं डाली, तो यही है कि बढ़िया रहा और मज़ा आया पूरा। और बस अभी जो है हम सुबह हो चुकी है और अभी जा रहे हैं हम ब्रेकफास्ट करने, और थोड़ी देर में निकल जाएंगे, तो बस अभी ऊपर चलते हैं और सीधा आपसे मिलते हैं। और उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा और इसी तरीके से जो है आप बने रहें। हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं, यहाँ आ जाएंगे वहाँ बस रोक लेंगे। गाइस अब जो है विदाइयों का टाइम आ चुका है और सबकी डोलियाँ उठेगी यहाँ से और हमारे संदीप भाई वगैरह और एशले भाई वगैरह स्नेहा वो सब चले गए गाड़ी में ही, और हम अभी फिलहाल जो है बस में जाएंगे। अभी हम ओल्ड बस स्टैंड जाएंगे ना, फिर से देखते हैं अगर शिमला रीच पे जाने का बना तो ठीक है, वरना हम सीधा घर ही निकलेंगे। और लास्ट बार एक बार सब जो है बाय कर दो और अपना एक्सपीरियंस सब जो है एक बार शेयर कर दो भैया। पहले आप यहाँ पे आके सबके साथ बहुत इन्जॉय हुआ और हमने बहुत मतलब मजे किए, ठीक है, और बहुत सारे फ्रेंड्स बने, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं तो आपको कहना चाहूंगा कि आप हिप्पा जरूर आओ यहाँ, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे हॉस्टल लाइफ सबसे बढ़िया लगी, सारी फैसिलिटीज है यार, जो जो मेन डेस्टिनी मिल गई इसी तरह, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ के सब लोग। वो चले गए गाइस हमारे गाड़ी में बंदे, गार्डन तो बहुत ही ज्यादा शानदार था, हर चीज बढ़िया है, मतलब मजा आया। विंटर में आएंगे तो और भी ज्यादा खतरनाक लगेगा, फ्रूट यहाँ मिलेंगे आपको नेचुरल बिल्कुल। बस ये गाइस ये बोलता ही रहेगा तो इतना हम बड़ा नहीं बढ़ा सकते। बस ये गाइस, और एक बार सब लास्ट बार बाय कर दो, बाय।
अपने दो बंदे जुदा हो रहे हैं और इनकी बस अभी बस 5 मिनट में जाने वाली है, हमारी भी अभी जो है थोड़ी देर में निकलेगी, तो अपने पैसे निकालने जा रहे हैं। चलो ठीक है, बाय 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 बाय, मिलेंगे फिर। ठीक है ठीक है, चलते हैं। Take you home.